राजस्थान के अंदर जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे सामने आए और इसके जस्ट बाद में भजनलाल सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिला, जिसमें गहलोत राज के अंदर जितनी भी भर्तियां की गई थी उन भर्तियों के अंदर जिन जिन को नौकरी मिली थी अब उन सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह वेरिफिकेशन स्तर पर किया जाएगा जो उसका विभाग है उसी के, और इस पर अगर अनियमितताएं पाई गई, क्योंकि कई डमी कैंडिडेट इसमें बैठाए गए थे और अगर किसी भी तरह की अनियमितताएं पाई गई तो उनकी नौकरियां भी जाती हुई नजर आ सकती है। तो क्या है ये भजनलाल सरकार का नया फरमान, दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। चुनाव खत्म होने के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय किया। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभाग में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय किया। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को पत्र लिखा जिनमें पिछले 5 साल में कर्मचारियों की भर्तियां हुई, सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए गए। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने जानकारी दी। आदेशों में लिखा कि पिछले कुछ सालों में जो भर्तियां हुई हैं उसमें प्रस्तुत फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के मामले खूब सामने आए। इस तरह से कई नौकरियां लोगों ने हासिल की। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर विभाग जिनके यहाँ पिछले 5 साल में भर्तियां हुई वह अपने यहाँ एक इंटरनल कमेटी बनाए और सिलेक्ट अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।